अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे वाइटामिन्स के बारे में, और हमने पहला ही माशाल्लाह से वाइटामिन पढ़ा था, वाइटामिन ए। और हम लोग थक गए थे, तो उसके आगे जो अब हमने पढ़ना है वो है वाइटामिन डी। वाइटामिन डी भी हमारे पास फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, मतलब ये कि ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और वाइटामिन डी को हमें रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और असल में वाइटामिन डी जो होता है वो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसकी रिंग ब्रोक हुई भी होती है। जैसे ये देखो, बेंजीन रिंग होती है ना कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर एक ब्रोकन रिंग होती है। और ये हमें मिलता कहाँ से है? दे आर फाउंड इन लिवर एंड इन फिश ऑयल्स। तो वो जो आप फिश ऑयल के टेबलेट्स नहीं लेते, वहाँ से आपको वाइटामिन डी मिल रहा होता है। और ऑप्टेन, और दूसरी जगह पे कहाँ से ऑप्टेन होता है? ये सन से, सनलाइट से हमें वाइटामिन डी हमारी बॉडीज में प्रोड्यूस होता है। और हेल्प कहाँ कर रहा होता है? ये इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट अदर कंपाउंड्स की, ये हमें हेल्प कर रहा होता है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और जिंक को एब्जॉर्ब करने में। क्योंकि हम कहते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये हमारे पास मेटल्स और मिनरल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं इन अ वेरी लो अमाउंट, तो उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा होता है हमारे पास वाइटामिन डी। और इसको हम सनशाइन वाइटामिन कहते हैं, बिकॉज हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली वाइटामिन डी प्रोड्यूस कर रही होती है। अब हमारी बॉडी जो है वो वाइटामिन डी दो फॉर्म्स में प्रोड्यूस करती है। मतलब वाइटामिन डी, जैसे हमने पहले देखा कि एक वाइटामिन ए के बारे में हमने देखा, ए के बारे में हमने जब देखा था तो हमने देखा था कि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉइक एसिड और बीटा कैरोटीन्स और कैरोटीन्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ये पाया जाता है। इसी तरह वाइटामिन डी दो फॉर्म्स में पाया जाता है, कोलिकैल्सिफेरॉल और कैल्सिफेरॉल के फॉर्म में। और इनके स्ट्रक्चर्स दोनों में डिफरेंट होंगे, लेकिन आपने स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने, ये पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है? आगे उन्होंने बताया है कि वाइटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या होंगे। हमें चीज़, मार्जरीन, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क। फोर्टिफाइड मिल्क ऐसा मिल्क होता है जिसके अंदर हम खुद से ऐड करते हैं वाइटामिन्स, उसके अंदर एक्स्ट्रा वाइटामिन्स और न्यूट्रंट्स ऐड हुए होते हैं। सीरियल्स और फिश, फिश से हमें मिल जाता है, इन सब के सब चीज़ों से हमें वाइटामिन डी मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाइटामिन डी हमें आराम से मिल जाता है जब हम सनलाइट में बैठते हैं। धूप में बैठने से हम काले तो हो जाते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन भी होती है, लेकिन वाइटामिन डी भी मिलता है, और फिर उससे हमारी डाइजेशन अच्छी होती है। और डेली रिक्वायरमेंट क्या है? मेंस एंड वुमेंस में 0.01 माइक्रोग्राम, प्रेगनेंसी लैक्टेशन के फॉर्म में भी इसकी सेम लेवल है, और इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में भी सेम लेवल है। मतलब कि तीनों ही चीज़ों में आपको यही रिक्वायरमेंट है डेली। अब अगर उन्होंने बताया है कि वाइटामिन डी जब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टोर कैसे होता है, और स्टोर होने के बाद जब उसने डिफरेंट ऑर्गन्स में जाना है तो वो किस तरह जाता है, मतलब उसका ट्रांसफर और उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह है। वाइटामिन डी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में इज कैरियड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द लिवर। सबसे पहले तो वो ब्लड में मूव करके लिवर में चला जाता है, वेयर इट इज़ कन्वर्टेड इंटू प्रो हार्मोन कैल्सीडायोल। अब वाइटामिन डी की शेप चेंज हो गई, वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो कैल्सीडायोल में कन्वर्ट हो गया। कैल्सीडायोल में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर फर्दर चेंज हुआ कैल्सीट्रायोल में, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है वाइटामिन डी की। मतलब इससे पहले वाइटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में था, ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। ये एक प्रोसेस होता है कहाँ पे है? किडनीज में होता है। किडनीज में होने के बाद कैल्सीट्रायोल जो है वो ब्लड में चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वाइटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि हम कहते हैं ये तो फैट सॉल्यूबल है ना, तो ब्लड स्ट्रीम में जब भी ये जाएगा ये ऐसे ही तो नहीं मूव कर सकता, इसको किसी ना किसी प्रोटीन या किसी ना किसी फैट के उसके अंदर या लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर, वेसिकल के अंदर मूव करना है। तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर वाइटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जो कि कैरियर प्रोटीन होती है, जो कि कैल्सीट्रायोल को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स में। किडनीज़ के अलावा, अब एक तो मैंने बताया कि किडनीज़ में जाके अपने एक्टिव फॉर्म में आ रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। किडनीज़ के अलावा जो हमारे इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेजेस होते हैं ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो कि फॉरेन इन्वेडर्स को इनगल्फ कर रहे होते हैं, तो वो मैक्रोफेजेस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कैल्सीट्रायोल को, और कैल्सीट्रायोल हमारे इम्यून सिस्टम में भी काम कर रहा होता है। मतलब वाइटामिन डी ना कि सिर्फ हमें हेल्प कर रहा होता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन में, बल्कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराने में भी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि ये
काम करता है एज अ साइटोकाइन। साइटोकाइन जो है ये एक एक्टिव कंपाउंड है हमारे इम्यूनिटी का, और डिफेंड करवाते हैं माइक्रोबियल इन्वेडर्स से हमारी बॉडी को। तो ये इम्यून सिस्टम में भी वाइटामिन डी काम कर रहा होता है। आगे बताया हुआ है कि चाहे वाइटामिन डी जो है वो स्किन के ऊपर प्रोड्यूस हो, जैसे सन की रोशनी में स्किन पर प्रोड्यूस हो, या फिर हम उसको डिफरेंट फूड से लें, जैसे फिश से ले रहे हैं, जिस भी फॉर्म में लें जो है, अगर वो कोलिकैल्सिफेरॉल वाली फॉर्म में होगा, एक दो फॉर्म्स है ना इसकी, कैल्सिफेरॉल और कोलिकैल्सिफेरॉल, तो अगर कैल्सिफेरॉल कोलिकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में होगा तो वो हाइड्रोऑक्सिलेट होगा लिवर में, लिवर में जाके वो ब्रेक डाउन होगा। और ये रिएक्शन कैसे कैरेड आउट होता है, विद द हेल्प ऑफ D25 हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम की मदद से, जो कि हमारे लिवर सेल्स में होता है। वंस मेड, जब एक दफ़ा ये बन जाए तो द प्रोडक्ट इज रिलीज इनटू द प्लाज्मा, तो ये ब्लड में चला जाता है और जहाँ से वो बाइंड करता है अल्फा ग्लोबुलिन वाइटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर, फिर कैल्सिडाल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है किडनीज में, जहाँ से वो कैल्सिडाल कैल्सिट्रायोल के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये प्रोडक्ट जो है वो पोटेंट लिगेंड ऑफ द विटामिन डी रिसेप्टर विच मीडिएट्स मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द विटामिंस। और फिर जो है ये नेक्स्ट आगे जहाँ पर भी इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, वो वहाँ पे जाके अपना काम करना शुरू कर देता है। तो मतलब ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड में एक ही बात लिखी हुई है, यहाँ पे जनरल लिखी हुई है और यहाँ पर उन्होंने आपको और ज़्यादा जो है डिटेल में बताया हुआ है। आगे बताया हुआ फंक्शंस, फंक्शंस क्या होंगे इसके, ये कैल्शियम को बैलेंस रखता है हमारी बॉडी में, बोन्स में, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी, अभी हमने पीछे देखा कि वो साइटोकाइन के तौर पे काम कर रहा होता है, तो वो इम्यूनिटी में काम करता है, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन और बोन्स और टीथ की डिवेलपमेंट में ये काम करता है। वाइटामिन डी हो गया, अब नेक्स्ट हमारे पास है वाइटामिन ई। वाइटामिन ई तो आप सब लोगों ने देखा हुआ ही होगा, आलमंड ऑयल जो आप सर पे बालों में तेल लगाते हो, वाइटामिन ई होता है और वो ऑयल होता है। तो वाइटामिन ई रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, तो ये अब वाइटामिन ई जो है उसके अंदर टोकोफेरोल्स और टोचोट्राइनोल्स होते हैं, और ये दोनों फिनोल्स होते हैं जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप होता है, और ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग। अब एंटीऑक्सीडेंट चीज़ क्या होती है, हमें पता है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑक्सीजन का सिंगल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है ना ऑक्सीजन, जो कि हम इनहेल कर रहे होते हैं, अगर वो एक मॉलिक्यूल हो तो वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, और जैसे ही वो हमारे सेल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कैंसर काज कर सकता है, ट्यूमर्स प्रोड्यूस कर सकता है, एजिंग की तरफ ले जाता है बॉडी को, और म्यूटेशंस प्रोड्यूस कर सकता है, ट्यूमर्स और म्यूटेशन हो सकती है। तो उन सारे के सारे हार्मफुल फ्री रेडिकल्स से अपनी बॉडी को बचाने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसकी एंटी हो, जो कि उसका इफ़ेक्ट काउंटर बैलेंस कर दे। तो वाइटामिन ई जो है वो एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और वो जो हाई एनर्जी के कंपाउंड फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे हम लोगों को बचाता है। अब टोकोफेरोल्स का जो वर्ड है वो कहाँ से आया, उन्होंने बताया हुआ है कि वाइटामिन ई जो है वो रैट्स की रिप्रोडक्शन में एक बहुत नेसेसरी रोल प्ले करता था, और ये इधर से हम लोगों ने डिस्कवर किया, तो इसलिए इन कंपाउंड्स को टोकोफेरोल्स कहते हैं। और ये कलर क्या होता है आपको पता है ना, उसका ऑयल का कलर येलो सा कलर होता है। वाइटामिन ई की अगर टैबलेट्स भी आपने देखी हो, या फिर आपने आलमंड ऑयल लगाया हो कभी, तो ऐसे ही कलर होता है ना, तो वो होता है। और टोकोफेरोल्स जिसकी ये वाली फॉर्म है, ये अल्फा बीटा गामा और सिग्मा डिफरेंट तरह से नेचुरली प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एक वाइटामिन जो होगा वो एक ही फॉर्म के अंदर नहीं प्रेजेंट होता होगा, हमारे पास डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट फॉर्म्स में पड़ा हुआ होगा हमारी बॉडी में जाके, उसकी कोई एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कभी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो कोई एक जैसे उसकी शक्ल सूरत नहीं रहेगी। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि जो टोकोफेरोल्स हैं उनमें भी नेक्स्ट उसकी भी फिर टाइप्स हैं। अब कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है वाइटामिन ए, सिर्फ आलमंड से ही नहीं मिलता, ये हमारे पास बेल पेपर्स जो हम मैक्रोनीज में डाल के खाते हैं, ग्रीन ऑलिव्स, पपाया, सनफ्लावर ऑयल, स्पिनच, एवोकाडो, रेड चिली पाउडर, प्लांट्स के ऑयल्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स और मस्टर्ड ग्रीन्स, इन सब जगहों से हमें मिल सकता है। और इसका डेली इनटेक देखो, मेन में डिफरेंट है, वुमेन में डिफरेंट है, चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स में डिफरेंट है, जो डेली डोज की रिकमेंडेशन है ये आपने याद रखनी है। तो वाइटामिन ई क्या करता है, फ्री रेडिकल्स जो हैं वो
हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ही वो हमारी सेल के साथ अटैच होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं या फिर उसकी डेथ काज कर देते हैं या फिर म्यूटेशन काज कर देते हैं। तो जो एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि वाइटामिन ई, वो हेल्प करता है वो उस फ्री रेडिकल के साथ अटैच होकर उसका अफेक्ट काउंटर बैलेंस कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन वाइटामिन ई बाइंड्स टू हमारे पास ऑक्सीजन के कंपाउंड के साथ, दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर दैट इज कन्वर्टेड टू अ टोकोफिराइल क्विनोन, तो वो किसी और चीज़ में उसको कन्वर्ट कर देगा ताकि हमारा जो डेंजरस उसका इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा वाइटामिन ई के बारे में कहते हैं कि वो अल्जाइमर जो है भूलने की बीमारी होती है उसके उससे भी पर हम लोगों को सेव करता है। वाइटामिन ई के फंक्शंस क्या हैं, फ्री रेडिकल्स को पकड़ लेता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो लो डेंसिटी के लिपिड्स होते हैं उनको उनकी हिफाजत करता है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाएं, इस तरह वो प्रोटेक्ट करता है। हमारे पास अनसैचुरेटेड पॉली एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कि उनका डबल बॉन्ड ना टूटे, और रेंसिडिटी होने से बचाता है, जो फाउल स्मेल आती है कुकिंग ऑयल्स में से या चीज़ों में से केमिकल रिएक्शन की वजह से वो नहीं होने देता। तो वाइटामिन ई प्लेज अ रोल इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस और इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, और इसमें भी हेल्प कर रहा होता है, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम में भी ये काम कर रहा होता है, हमारे प्लेटलेट्स की जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें भी हेल्प कर रहा होता है, और ये आल्सो प्रोटेक्ट लिपिड्स एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ, यही वाली बात, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को की ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाइटामिन हमने पढ़ना है वो है वाइटामिन के। वाइटामिन के एक ऐसा वाइटामिन है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, और ये कहाँ काम करता है, ये हेल्प करता है ब्लड कोएगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में, जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है वहाँ पर विटामिन के इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आल्सो यूरिया कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जिसकी वजह से कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर बैलेंस आउट रहे और हर टिश्यूज़ हमारा प्रॉपरली वर्क करते रहें। विटामिन के नेचुरली कहाँ प्रोड्यूस होता है, अब हमने कहा था कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसके अंदर नंबरस एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं हमारी गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, वो प्रोड्यूस करते हैं वाइटामिन के। इट इज़ असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रॉम्बिन, और ये प्रोथ्रॉम्बिन को प्रोड्यूस कर रहा होता है एंड और अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने में भी हेल्प कर रहा होता है वाइटामिन के। और हेमरेजिक एंटी हेमरेजिक हार्मोन है, मतलब ये कि जो ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ऐसी सारी बीमारियाँ होती हैं उनको ख़त्म करता है वाइटामिन के जो है। अब जैसे पहले हमने सारे वाइटामिन देखे उनके डिफरेंट नेचुरल फॉर्म्स थी, इस तरह इसकी भी दो डिफरेंट नेचुरल फॉर्म है, वाइटामिन के वन और के टू, और ये इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि किसी भी विटामिन के मैं आपसे पूछूं कि नेचुरली किस फॉर्म में अकर करता है तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे सवाल आ सकते हैं कि विटामिन के जो है उसके नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी डाइट से आपको मिल सकता है, तो ये देखो काजू हैं, पीज हैं, वॉलनट्स हैं, तो सारी की सारी डाइट आपको पता होनी चाहिए, और इसकी डाइट डेली रिक्वायरमेंट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। विटामिन ए के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये हेल्प करता है कोएगुलेशन फैक्टर्स को प्रोडक्शन में, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और प्रोथ्रॉम्बिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हो रही होती है वो कराने में भी विटामिन के हेल्प करता है।